अभी तो आप बोले थे कि मोदी जी भगवान है। मोदी जी भगवान है, देश के सेवा करने के बाद उसको हम सैल्यूट करने के लिए वहाँ खड़ा रहेंगे। आपको 4 साल रिटायर कर दिया जाता तो कैसा लगता? मैं काफी खुश होता। खुद अपने 65 साल के हो गए ना, 65-70 साल प्लस ही होगा, खुद उतर के बताएं। मैं कुछ भी मत बनो, कोई पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप देशभक्त बनो। कम से कम देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। खुद तो बस अपने देश सेवा 60-65 साल में करेंगे, हम लोग 18 साल में करेंगे, 21 साल। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड यूथ जो पैसे लेकर, कल तो मैं सुना था 1000 रुपया लेकर के ट्रेन जलाते हैं। जाने के लिए मेहनत भी पता है कि कितना करना पड़ता है, कितना दोगुना पड़ता है, ये नहीं पता होगा अभी तक उन लोग को। इजराइल के अंदर जो है हर व्यक्ति को 3 साल सेना में जाना होता है, तो अमित शाह जी अपने बेटे को भेजेंगे? 30 साल के बाद बूढ़े हो गए होंगे, अब तो बोझ बन गए होंगे उस समय। इनके आंखों को देखिए, आंखें नम हो रही है क्योंकि इनके इनका सपना मारा जा रहा है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना के पटना जंक्शन पे है, और चूंकि आज भारत बंद है तो बंद का असर देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और हम लोगों को ऐसा दिख रहा है कि बिहार बंद का अच्छा खासा यहाँ पे असर है। एक शख्स हमें मिले हैं, एयरफोर्स रिटायर हैं और मोदी जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। नाम क्या हुआ सर? मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति का भक्त हूँ जो देशभक्त है। जो देशभक्त है, मोदी देशभक्त है। अभी तो आप बोले थे कि मोदी जी भगवान है। मोदी जी भगवान है, कैसे भगवान? देखिए, मैं अपने जीवन में हम दो लोगों को बहुत ही आदर्श मानता हूं मैं, एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे मोदी साहब हैं। अभी एक नया स्कीम आया है अग्निपथ को लेकर, आप एयरफोर्स में हैं, एयरफोर्स में कितना साल आपने जॉब किया? हमने एयरफोर्स में 38 ईयर्स 168 डेज सर्विस किया। आपको 4 साल में रिटायर कर दिया जाता तो कैसा लगता? मैं काफी खुश होता। क्यों? आप सुनिए ना, काफी खुश होता। अब मैं अभी खुश नहीं है, मैं काफी खुश हूँ। अभी मैं सोशल वर्क करता हूँ, बच्चों का क्लास लेता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट, आई डोंट चार्ज मनी, फ्री ऑफ कास्ट मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं तो। और दूसरी बात, एयरफोर्स के बारे में उनको बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि तुम कुछ भी ना बनो, देशभक्त बनो। मैं कुछ भी मत बनो, कोई पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप देशभक्त बनो। कम से कम देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। किसके पास नहीं है? जो कि ये जला रहे हैं ट्रेन को, ट्रेन जलाने की चीज है, अपने रिसोर्स को खत्म कर रहे हो। ये गुंडा तत्व है, ये गुंडा तत्व है पॉलिटिकली। मैं ये नाम नहीं लूंगा किसी का, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड यूथ जो पैसे लेकर, कल तो मैं सुना था 1000 रुपया लेकर के ट्रेन जलाते हैं, 1000 रुपया लेकर के ट्रेन जलाते हैं, 50 लोग में बांट दिया गया, जला देते हैं ट्रेन। ये गलत बात है यार, ट्रेन जलाना गलत है, सभी लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, युवाओं के सपनों को जो जलाया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? युवाओं के सपनों को जलाया नहीं जा रहा है, क्या किया जा रहा है? उनको एक अच्छा यूथ बनाया जा रहा है। इजराइल के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको मालूम है इजराइल ऐसा छोटा सा देश, वहाँ पर जनरल यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है। सुनिए, इजराइल के अंदर जो है हर व्यक्ति को 3 साल सेना में जाना होता है, तो अमित शाह जी अपने बेटे को भेजेंगे? अमित शाह भेजेंगे? अगर एलिजिबल होगा तो क्यों नहीं भेजेंगे? मंत्री की ऐसा क्यों नहीं जाएगा? जो एलिजिबल रहेगा सेना में सभी नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? जो एलिजिबल रहेंगे वही तो जाएंगे। सारी जनता जो जा नहीं सकती, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली नहीं, सोने के चम्मच से खाने की बात नहीं है। ये देखिए, बहुत सारे लोग, टेरिटोरियल आर्मी एक होती है, उसमें टेम्पोररी नौकरी होती है, बहुत पुरानी है वो फौज, जिसमें साल में 2 या 3 महीने ही फौज की नौकरी करते हैं, बाकी दिन घर में। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपने नाम सुना है? टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप सुनिए ना, आप 38 साल करके, सुनिए ना, नहीं सुनना हमको, मेरी बात सुनिए, आप 38 साल ड्यूटी करके आए ना, तो आप जो है 30 साल के बाद बूढ़े हो गए होंगे, आप तो बोझ बन गए होंगे उस समय। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं बूढ़ा तब होऊंगा जब मैं चाहूंगा। नहीं नहीं, ये बूढ़े बूढ़े की बात नहीं है, वहाँ जवानी और बूढ़े की बात नहीं है, वहाँ पर ये है कि उन लोगों में से जो अच्छे होंगे उनको रिटेन किया जाएगा, कुछ लड़के तो आज खराब होंगे तो इनको रखा क्यों गया फिर? इसका मतलब प्रक्रिया गलत होगी आपकी? नहीं, खराब होंगे नहीं, खराब को क्यों रखेंगे आप? अच्छा ये बताइए, परीक्षा होती है तो सारे परीक्षा पास करते हैं, मेरिटोरियस को रख ले जाता है, बाकी को नहीं देखा जाता है। क्या जो लड़के छट गए हैं, क्या जो लड़के छट गए हैं वो बेकार हैं? बेकार सिर्फ नहीं, उनका फिर कहीं होगा। इनका, इनको
ये दे बिकम अब तक बेकार को रखा जा रहा है। कौन? नहीं नहीं नहीं, अच्छों को रखा जा रहा है। अच्छे को ही रखिए, 15 साल के लिए रखिए आप। नहीं नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब मिलिट्री मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मिलिट्री क्या चाहती है, वो कमांडर्स की क्या प्लानिंग है, ये उनको सोचने दो ना, हम क्यों करें। और लोग हैं, युवा हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है, क्या दिक्कत है आपको? रोशन कुमार। थोड़ा सा रोशन जी, अग्निपथ को लेकर क्या सवाल है आप लोगों का, क्यों परेशान है इतना? सरकार और तीनों सेना को अच्छा लग रहा है, सरकार को अच्छा लग रहा है, आप लोग को बुरा क्यों लग रहा है? सरकार युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। कैसे खराब कर रही है? आपको 10 लाख 15 लाख रुपया मिल जाएगा, 23 लाख बोल रहा है, 23 लाख रुपया मिल जाएगा। रुपया तो हम इधर पार्ट टाइम जॉब या फिर कुछ भी करके कमा सकते हैं, लेकिन एक अंदर से जुनून होता है कि हमको इंडियन आर्मी में जाना है। तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसा खिलवाड़? एक बात बताइए, वहाँ से निकलिएगा तो फिर आपके पास पूरी उम्र बची रहेगी, आप कुछ और कर सकते हैं। क्या करेंगे? बता रहे हैं ना, भाजपा के विधायक ही बता रहे हैं कि मेरे ऑफिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड आपको का भर्ती आएगा तो आपको रख लिया जाएगा। बताइए, सलामी ठोकिएगा, उसको सैल्यूट करेंगे। देश के सेवा करने के बाद उसको हम सैल्यूट करने के लिए वहाँ खड़ा रहेंगे। वास्तविकता है, जो आते हैं रिटायर होके सैनिक, वो गार्ड बन जाते हैं, पता है आपको? पता है ना, वीडियो देखा, पता है ना। एटीएम के पास बाहर में जाकर सिक्योरिटी गार्ड से एकदम वहाँ तैनात रहिएगा। खुद ठीक है, अपने खुद अपने 65 साल के हो गए ना, 65-70 साल प्लस ही होगा, खुद उतर के बताए। खुद तो बस अपने देश सेवा 60-65 साल में करेंगे, हम लोग 18 साल में करेंगे, 21 साल हमने 75 साल के होकर के। एक बात बताइए, बोला जा रहा है कि जो है इंटर का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको फ्री में, बिना पढ़े मिल जाएगा। आश्चर्य है कि इंटर का सर्टिफिकेट बिना पढ़े आपको दे दिया जाएगा। इससे तो फिर देश और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? अग्निपथ के लिए जो ये सरकार ने TOD का नियम लागू किया है, ये TOD यानी कि देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे खिलवाड़? मोदी जी तो आपके लिए बहुत सुविधाएं बता रहे हैं, अलग अलग मंत्रालय आ रहा है सामने कि हम आपको जॉब देंगे, 10% देंगे। यहाँ तक कि BJP के विधायक बोल रहे हैं कि अपने ऑफिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड में आपको जॉब दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को जॉब दिया जाएगा। कितना युवाओं को जॉब दिए हैं अभी तक? फिर इस TOD बोले कि शायद 12-13 लाख रुपया देंगे, देंगे लनफन बताया गया इसमें, जब पहले बार में वो भरोसा नहीं कर सकते। जैसे बोले थे कि 2 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ को जॉब देंगे, जॉब देंगे, तो उस जैसे कि 2 करोड़ का जॉब भी नहीं दिए हैं वो। सुनिए ना, 4 साल करके जॉब देंगे, 4-4 साल जॉब देंगे, तब ना अधिक लोगों को जॉब दे पाएंगे वो। देखिए, 4 साल का जॉब से हर कोई जो सेना में जाने के लिए सोचता है, वो सोचता है कि हम देश का रक्षा करें। कुछ युवाओं को हम वीडियो देखे यूट्यूब पे, वो लोग बोल रहा था कि हमको पेमेंट 10 से 15 हज़ार दो, लेकिन पूरी नौकरी दो, जीवन भर नौकरी दो, हम कर लेंगे, लेकिन 4 साल के लिए नौकरी करने नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आने के बाद आप अलग अलग कोर्स कर सकते हैं, फिर से पढ़िएगा, है ना, अब पढ़ के फिर आपको आप IAS बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा होता है। अभी सोचिए, जिस टाइम हमको पढ़ने का उम्र रहेगा उस टाइम हम सेवा करेंगे, और जिस टाइम हमको हथियार चलाना सिखाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम कलम पकड़ का समय आएगा। वही ना, जब ऐसा हो ही रहा है, जब हम हथियार हर चीज़ से ट्रेंड रहेंगे उस टाइम हमको रिटायर करके भेज दिया जाएगा बाहर, जाओ बाहर, उसके बाद कलम पकड़ो, ये ऐसा होगा। आपको लगता है कितना हमसे तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं पहले से, 4 साल जो नहीं जाएंगे वो क्या करेंगे? तो एक बात बताइए, हम आज एक वीडियो देखे, उसमें से कोई सेना बोल रहे थे कि शायद पुलवामा जो हमला हुआ था उसके पीछे ज़्यादा दिन तक जांच पड़ताल नहीं चला था, लेकिन शायद एक पीछे कुछ दिन पहले एक सिंगर मरा ना। पुलवामा को छोड़िए, अभी युवा के भविष्य का सवाल है, युवा भविष्य बर्बाद कर रही है ये सरकार, और कुछ नहीं, बस खेल रही है सरकार। पहले किसान आंदोलन लाया, ठीक है, यही सरकार बोला, इस सरकार का कहना है कि किसान बच्चा गरीब को मतलब बचाओ, क्या गरीब के यही बचा रही है? का नेता के कोई बच्चा जा रहा है का सेना में? एक सेना में जाने के लिए मेहनत भी पता है कि कितना करना पड़ता है, कितना दौगना पड़ता है, ये नहीं पता होगा अभी तक उन लोग को, सिर्फ बैठ करके बोलने से नहीं होता है। कभी गए सेना? अभी तक नहीं गए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इस बार पूरा सपना था, जाएंगे तो जाएंगे। गया जिला, यहाँ कैसे फंस गए? पटना में आए थे ट्रेनिंग के लिए, चाणक्य फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए हैं,
बोले कि इस बहाली में आर्मी भी लगा होगा। हाँ, पैसा भी लगा है। उसके बाद लेता पैसा लगभग? पैसा 2500 रुपया लेता है मंथ का। ना ना ना, 2500 रुपया तैयारी का लेता है। जैसे कि जो लोग गांव देहात से लड़कन लोग आते हैं, लगभग वो लोग 2 से 3 महीना में लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो हम खुद आए यहाँ, 2 महीना हुआ है यहाँ, और 2 महीना के बाद TOD लागू हुआ। क्या लग रहा है कि आप लोग का जो सपना है उस सपनों को मारा जा रहा है? मार गया, बिल्कुल तरह से टूट गया है। और फिर जो इन लोग का जो रिजल्ट सिर्फ एग्जाम बाकी था। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी टीचर हैं। टीचर है? हाँ, है ना। हाँ, कितना जमीन उमीन है? जमीन उमीन है। हाँ, और तैयारी करते हैं जो सेना में जाने की? हाँ हाँ, दोनों भाई तैयारी करते हैं। अच्छा, दो भाई हैं? हाँ, एक हमसे छोटा है, वजीरगंज में तैयारी। नाम क्या हुआ आपका? रोशन कुमार। ये रोशन जी हैं, गांव से आके पटना में एकेडमी ज्वाइन करके ये तैयारी करते हैं। और ये वास्तविकता भी है कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं वो जनरली फौज में जाया करते हैं, तैयारी किया करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खेत में, खलिहान में, धूप में, छाँव में, वर्षा में, हर जगह या कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं और मेहनत कश लोग होते हैं ये। इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वह इनके मेहनत से आती है। और 4 बजे सुबह जाके फिर से ये दौड़ते हैं, 2 साल 3 साल दौड़ेंगे, 1 साल में तो तैयारी नहीं हो जाती है पूरी, एक बार में तो होता नहीं है। 3 साल, लगभग 3-4 साल में तैयारी होती है। 3-4 साल के बाद जो है आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी। 4 से 5 साल NCC का ट्रेनिंग होता है, उसमें ABC यानी कि फुल फिजिकल मतलब बन जाता है उसमें। उसके बाद 5 साल का NCC का अथी हुआ और 4 साल का जॉब। बताइए, 5 साल मेहनत करेंगे और 4 साल का जॉब पाएंगे, इसे तो हम पहले से। आपने सेना के फील्ड को ही क्यों चुना? कुछ और तो आप तैयारी कर सकते थे। देखिए, बचपन से देश सेवा का एक जुनून था, बचपन से जुनून था कि जाएंगे फौज में। पहने? हाँ हाँ, ये शौक होता है, ये सपना होता है, इसको पैसों में तोला जा रहा है और यही इनकी तकलीफ है। बच्चे कहते हैं या तो वर्दी दो या फिर अर्थी दो, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके ये देश से प्रेम करते हैं और जो देश से प्रेम करेगा वही सेना में मैक्सिमम जाता ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सरकार से अनुरोध है, किसी को सैल्यूट करने के लिए ये लोग नहीं तैयार होते हैं। इनके पास जज्बा है, इनके पास जज्बात है, इनके पास हौसला और हिम्मत है, यह सेना में जाके माँ भारती की सेवा कर सके, यही है ना। सरकार से अनुरोध है कि आप 10 से 15 हज़ार रुपया पेमेंट दीजिए, लेकिन जॉब फुल दीजिए, जैसे होता रहता था पिछले बार से, उसी तरह से 4 साल का मतलब कि आएंगे। सुनिए ना, अभी जो वर्तमान स्थिति है, सेना प्रमुख तीनों आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो फैसला है ये वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, हाँ। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, फिर भी तो जाना ही है, देश का सेवा करना है तो जाना ही है, मजबूरी है। इनके आंखों को देखिए, आंखें नम हो रही है, क्योंकि इनके इनका सपना मारा जा रहा है। ये माँ भारती का सेवा दिलोजान से करना चाहते थे, पूरा फुल टाइम करना चाहते थे, इसलिए ये सेना की तैयारी करते हैं, गांव से आके पटना में शिफ्ट होकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके सपनों को जब मारा जा रहा है तो ये वापस घर जा रहे हैं। इनको उम्मीद नहीं है और वो जज्बा अंदर से नहीं दिख रही है कि अब सेना में जाएंगे फिर 4 साल के बाद फिर करेंगे क्या, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल सेना बनने का है, बिल्कुल सेना बन के देश की सेवा करने का है, यही है ना। तो ये इन लोगों का दर्द है, और भी लोगों से हम मिलने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ, मैं रवि मेहता दूसरा बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।